जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एवन क्लास में। जैसा कि साथियों आज है 22 जनवरी और आज जो एयरफोर्स का जो वायु ग्रुप का फिलहाल एग्जाम वो फिलहाल छूट चुका है। जैसे ही कैंडिडेट्स आते हैं उनसे बातचीत करने वाले हैं कि आज के एग्जाम का क्या लेवल रहा, किस तरह से प्रश्न पूछे गए, क्या क्या पैटर्न आया या फिर कोई चेंजमेंट देखने को मिला, तो उन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में जानने वाले। अगर आपको भी लगता है कि कोई आपको अगर डाउट है या किसी चीज़ के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में से हमसे पूछ सकते हैं, विद इन उसको शॉर्ट टर्म्स में से आपका जवाब दिया जाएगा। जैसा कि देख सकते हैं कि हर एग्जाम का एनालिसिस हमारे चैनल पर आपको टाइम टाइम से मिलता रहता है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि आपके जो दोस्त लोग हैं वो भी इस वीडियो को देखें और एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प मिलने वाली इस वीडियो में। तो चलिए कैंडिडेट से बातचीत करते हैं, स्टार्ट करते हैं। हो गया एग्ज़ाम? हो गया एग्जाम? हो गया अटेम्प्ट किया? चालीस इन्होंने अटेम्प्ट किया 50 में से। चलिए अभी और भी कैंडिडेट्स आएंगे, अभी कैंडिडेट्स निकलना स्टार्ट हुए हैं और काफ़ी भारी मात्रा में कैंडिडेट्स हैं यहाँ पर, देख सकते हैं काफ़ी तादाद में यहाँ पर कैंडिडेट्स हैं। आइए और बातचीत करते हैं। अब आगे आ जाओ भाई, हमने तो 45 को सर अटेम्प्ट। अच्छा, तो क्या लगा जीएस का क्या लेवल रहा? जीएस तो खैर नॉर्मल पूछी थी और इंग्लिश भी नॉर्मल थी, रीजनिंग थोड़ा नॉन वेरिएबल से क्वेश्चन ज़्यादा आए थे। कहाँ से आए भैया? हम उन्नाव जिले से हैं। तो क्या ऑनलाइन तैयारी करते थे, ऑफलाइन करते थे? ऑनलाइन हम करते हैं, हम से पढ़ते एसएससी का, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। किससे पढ़ते? अड्डा 247 से। अच्छा तो बताइए सर, आज इंग्लिश का क्या लेवल रहा? इंग्लिश का तो लेवल ठीक रहा है। लेवल कितना अटेम्प्ट किया आपने इंग्लिश में? इंग्लिश में तो 20 में 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट। क्या आज जो पैसेज आया था वो किस टॉपिक पर आधारित था? ये ट्रेन वगैरह पे कुछ आधारित था। अच्छा, तो आज कोई साइनोनिम्स या एंटोनिम्स कुछ याद है जो पूछा गया आपके? सर नो, सर एक स्पेलिंग पूछी सर्विलांस की। अच्छा, कोई मिस स्पेल्ट आई थी क्या? यही आई थी, मिस आई थी एक चौहान, हमने तो लगाया शायद उसका, हमको कंफर्म नहीं था। अच्छा, वो वॉइस और नरेशन का क्या वेटेज रहा? कितने क्वेश्चन थे वॉइस और नरेशन से? लगभग दो तीन क्वेश्चन थे। प्रीपोजिशन से क्वेश्चन था? प्रीपोजिशन से हमने नहीं देखा। नाउन वगैरह से, आर्टिकल वगैरह से? एक था इसका, एक था। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं मैथ्स में। मैथ्स में परसेंटेज से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है कि एवरेज, किससे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है? मैथ्स में तो एक आया था परसेंटेज से आया था। परसेंटेज से क्या पूछ रहा था कुछ याद है आपको? मतलब इजी था या फिर हार्ड था? नहीं हार्ड था, तो हार्ड था। मैथ्स में से कितने क्वेश्चन पूछे गए होंगे? दो तीन क्वेश्चन आए थे मैथ के। जो पूरा 30 का पार्ट है उसमें से रीजनिंग का लेवल, रीजनिंग के कितने प्रश्न थे? रीजनिंग के तो नॉर्मल लेवल से 6-7 क्वेश्चन आए थे। 6-7 क्वेश्चन और ऐसे आए थे दो तीन क्वेश्चन। अच्छा, उसके बाद जीएस की मैं बात करूँ तो जीएस में से आज करंट अफेयर्स पूछा गया कि नहीं पूछा? करंट अफेयर में यही मिस इंडिया का पूछा था और पॉपुलेशन वगैरह का इसका पूछा। जनसंख्या से पूछा गया होगा, क्या पूछा था, किस टाइप का प्रश्न था कुछ याद है? ये पूछा था कि किस दिन मनाया जाता है, किस दिन जनसंख्या दिवस किस दिन मनाया जाता है। देखिए, जनसंख्या से रिलेटेड एक प्रश्न आया था, जनसंख्या दिवस किस दिन मनाया जाता है, एक ऐसा प्रश्न था। तो क्या लगता है कि उसके बाद कोई मतलब हिस्ट्री वगैरह से कोई प्रश्न पूछा गया? हिस्ट्री से एक आया था कौटिल्य का, कौटिल्य किसके प्रधानमंत्री थे। हो गया आपका? हो गया है। आ जाओ। अरे आ जाओ यार, कैसे मारो। चलिए देखिए, लेवल की अगर मैं बात करूँ तो लेवल लगभग इजी टू मॉडरेट था। आइए भैया से बातचीत करते हैं। हाँ सर। भाई टाइम बहुत कम मिल पाता है। अच्छा, आपने कितना अटेम्प्ट किया? हमने समथिंग कर ली 40। अच्छा, तो क्या आज आपको ज्यादा हार्ड लगा? सब मैथ लगा, मैथ और इंग्लिश भी था। इंग्लिश में आपने कितना अटेम्प्ट किया? इंग्लिश में समथिंग 15 की होंगे। 15 क्वेश्चन की होंगे। अच्छा, तो ये बताइए आज जो जीएस में से करंट अफेयर से कोई प्रश्न पूछा गया था? हाँ पूछा गया था, कुछ याद है? चलिए कोई बात नहीं। अच्छा, कोई मिस इंडिया पूछा गया था सर? आप का भी था? हाँ मेरा भी था। आपने कितना अटेम्प्ट किया? मैंने टोटल करे 15 इसके करे और 17 उसके हो पाए। 15 और 17 मतलब वही टोटल 32। हाँ ऐसे ही है। इतना कम अटेम्प्ट किया? कितना कम मतलब? 32। हाँ, टाइम मैनेजमेंट नहीं पढ़ पाता है नॉन वर्बल वाले में, अगर प्रैक्टिस कम हो। प्रैक्टिस नहीं किए थे क्या भैया? प्रैक्टिस तो किए थे पर उसमें अगर लॉजिकल रीजनिंग वाला क्वेश्चन में घुस जाते ना तो वही टाइम खत्म हो जाता, पता नहीं चलता है क्वेश्चन में कहाँ। तो क्या कहेंगे मतलब, जैसा कि आपने घर पे प्रैक्टिस वगैरह मॉक वगैरह दिया होगा तो उस टेस्ट में तुम्हारा टाइम बच जाता था, पर यहाँ पे टाइम खत्म हो जाता है, पता ही नहीं चलता। देखिए, मॉक इन्होंने दिया था, मॉक टेस्ट प्रीवियस ईयर के दिए थे और लगभग वहाँ पे लगाए भी थे, लेकिन यहाँ पर टाइम कम पड़ जा रहा है। जैसा 45 मिनट्स मिल रहा है और लगभग 50 क्वेश्चन है, तो टाइम की तो जाहिर सी बात है इंग्लिश में समय आप अगर ओपन हो जाता। इंग्लिश में तो टाइम बच जाता है,
वही अगर ओपन हो जाता उस साइड तो तुरंत, ये क्योंकि जब इंग्लिश होगा तभी वो ओपन होगा। अगर ऐसा होता कि पहले इंग्लिश करके फिर हम पूरा पर्टिकुलर 45 मिनट में ही दे देते दोनों, तो थोड़े ज़्यादा हो जाते और ज़्यादा। तो क्या मतलब आज पर जो मैथ्स में बात करें तो क्या ब्लड रिलेशन से कोई क्वेश्चन मैथ्स में रीजनिंग में से? ब्लड रिलेशन से कोई क्वेश्चन नहीं। ब्लॉक कैलेंडर से था? ब्लॉक कैलेंडर से भी नहीं था शायद। ब्लॉक क्या था, क्या पूछा गया था? ब्लॉक से आया था ये पूछा गया था कि 5:30 पर कितना टाइम होगा, 5:30 पर कितना टाइम होगा, कितने अंश का कोण बनाएगा, 5:30 में कितने डिग्री का कोण बनाएगा, एक ऐसा प्रश्न पूछा गया था। अच्छा तो भैया उसके बाद मैथ्स का क्या रहा? मैथ्स हार्ड थी, इजी थी? जी मैथ तो ठीक थी, अच्छा एवरेज थी। आपने कितना अटेम्प्ट किया? अभी मेरा रिपोर्टिंग टाइम। आपने भैया कितना अटेम्प्ट जी? 40 अटेम्प्ट जी। तो आज क्या इंग्लिश आपको हार्ड लगी, इजी लगी? नहीं ठीक थी, जैसा कि कहाँ ऑनलाइन पढ़ते ऑफलाइन पढ़ते? ऑनलाइन जी, मैथ पढ़ते हैं आदित्य रंजन से। हाँ, और आदित्य रंजन आज भी भैया आदित्य रंजन जी के स्टूडेंट्स मिले हुए हैं और लगभग डेली जब से एनालिसिस चल रहा है लगभग स्टूडेंट्स मिल रहे हैं। तो उसके बाद इंग्लिश वगैरह किससे पढ़ते हैं? इंग्लिश वगैरह एक हैं हमारे गांव के लोग, वो हमें पढ़ाते हैं जी। संदीप सर से पढ़ते हैं? अच्छा तो मनीष सर से, रीजनिंग मनीष सर से, खान सर के जो हैं। हाँ मनीष। हाँ कहाँ से आए भैया? बेबर, मैनपुरी। ये मैनपुरी से काफ़ी दूर से आए हैं, तो क्या रीजनिंग ज़्यादा कितना अटेम्प्ट किया? रीजनिंग में मैंने पूरा किया, रीजनिंग का तो पूरा। कितना अटेम्प्ट किया ओवरऑल आपने? ओवरऑल 40। अच्छा तो आज जीएस के कुछ क्वेश्चन बताएंगे, जो कितने क्वेश्चन रहे होंगे जीएस के? ऐसे ही 5-6 दिखे, 5-6 क्वेश्चन। तो क्या कुछ याद है प्रश्न जो पूछे गए हों? पूछा गया था कोल माइन उसकी ओडिशा की, उसके नाम दिए गए थे वो पूछा गया था, और जो मतलब कि मिस वर्ल्ड, मिस वर्ल्ड पूछी गई थी इंडिया, शायद पूछा गया मिस वर्ल्ड पूछा गया था, मिस वर्ल्ड पूछा गया। हाँ मिस वर्ल्ड पूछा गया था, और ज़्यादा टफ नहीं था पेपर, इम्पोर्टेंट डे थे, और हिस्ट्री से ऐसा कोई क्वेश्चन कैसा? हाँ डे विश्व जनसंख्या दिवस। हाँ विश्व जनसंख्या दिवस देखिए पूछा गया था, पॉपुलेशन दिवस भी पूछा गया था, पॉपुलेशन डे से भी क्वेश्चन आए थे। अच्छा उसके बाद मैं बात करता हूँ, तो जैसा कि मैथ्स में से परसेंटेज से क्वेश्चन था, एवरेज से था? हाँ परसेंट से एक क्वेश्चन था और एक प्रोपोर्शनल से था, और रीजनिंग में क्लॉक से था, एक सिंपल क्वेश्चन था, डिग्री पूछी थी। अच्छा हाँ। उसके बाद मैं बात करूँ तो क्या SICI से कोई ब्याज वगैरह वाला क्वेश्चन? हाँ SICI से था, एक क्वेश्चन था, सिंपल ही क्वेश्चन था। अच्छा टाइम एंड वर्क से? टाइम हाँ सबसे था, टाइम से था। ट्रेन वगैरह वाला क्वेश्चन था क्या कोई? ट्रेन से या बोट एंड वॉकिंग वाला? वॉकिंग वाला। देखिए उससे भी क्वेश्चन बोटिंग से था? नहीं वॉकिंग वाला कुछ नहीं आ रहा है। देखिए ओवरऑल क्या आपने 40 अटेम्प्ट किया, क्या कहाँ पढ़ते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन? ऑफलाइन। क्या ऑनलाइन से जो पढ़ते थे, क्या ऑनलाइन जो पढ़ाते हैं, क्या उसका यहाँ पर कुछ मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है? मतलब ऐसे कुछ नहीं मिल रहा, कंटेंट कोई बाहर है नहीं, सब कंटेंट से। अगर लड़के ने 2-3 महीने सही तैयार किया, कंटेंट कुछ बाहर नहीं है, सिंपल क्वेश्चन आ रहे थे। पढ़ाते हैं क्या बिल्कुल सही है? ऑनलाइन पढ़ना सबसे अच्छा है। हाँ ऑनलाइन से कंटेंट तो बाहर नहीं है, अगर ऑनलाइन किताबों से पढ़ोगे तब भी अच्छा है। कितने अटेम्प्ट किया आपने? मेरे टोटल 7 क्वेश्चन बचे हैं, टोटल 50 में से 7। 43 क्या लगता है हो जाएगा उसमें? मतलब इंग्लिश में सियोरिटी नहीं है। हाँ रागा में सियोरिटी है ज़्यादा, इंग्लिश में सर 10 मार्क्स पास। हाँ ऐसा चलिए देखिए लगभग चलिए लगभग कन्फर्म है इस बार, अग्निवीर कन्फर्म है, अग्निवीर बनना है। देखो भाई कह रहा है इस बार अग्निवीर बनना है। कहाँ से आए भैया? गोंडा से। दूर सेंटर आया जी? यहाँ सेंटर तो बहुत दूर था, बहुत दिक्कतें तो थी लेकिन क्या करें, एक बार अग्निवीर फतेह करना है। देखिए अगर बात करें तो आज के लेवल की तो लगभग लेवल इजी टू मॉडरेट रहा है, ज़्यादा हार्ड नहीं कर सकते हैं। इंग्लिश थोड़ा सा आज टफ आई हुई थी, ठीक है। जैसा कि हर शिफ्ट का एनालिसिस आपको हमारे चैनल पर मिलता रहता है, तो फिलहाल चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए, जिससे हर एग्जाम का एनालिसिस, किसी भी चीज़ का एग्जाम का एनालिसिस हो, हमारे चैनल पर टाइम टू टाइम आपको मिलता रहेगा। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।